नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधा बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। अंडरगार्मेंट्स में छुपाकर सोना लाई महिला जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी। 7 दिन पहले दुबई गई थी। 15,000 रुपए और टिकट के लालच में ले आई सोना। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी में एक 55 साल की महिला को कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने पकड़ लिया है। महिला के अंडरगार्मेंट्स में से ये सोना बरामद किया गया जो पेस्ट फोम में लाया गया था। सोना कपड़े की थैली में 2 पॉलिथीन और उसे ब्लैक कार्बन शीट से लपेट कर रखा था जो किसी आर्टिफिशियल स्टोन की तरह दिखाई दे रहा था। कस्टम की टीम अब इस सोने को प्रोसेस करने में जुटी है। संभावना है कि 600 ग्राम तक सोना निकल सकता है। कस्टम के कमिश्नर राहुल नांगरे ने बताया कि कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण अटल के नेतृत्व में की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि पकड़ी गई महिला दिल्ली की रहने वाली है। 7 दिन पहले अपने बेटे से दुबई मिलने गई थी। बेटा दुबई के एक होटल में काम करता है। बुधवार सुबह शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट के लिए जरिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंची तो महिला की जब मेटल डिटेक्टर से जांच की गई तो कस्टम अधिकारियों को शक हुआ। इसके बाद महिला कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में महिला की पूरी जांच की गई। जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार ऐसा हुआ जब किसी एक महीने में गोल्ड तस्करी के 4 मामले पकड़े गए हो। इससे पहले इसी महीने कस्टम विभाग ने 3 अन्य गोल्ड तस्करी के मामले और एक कोकीन तस्करी का मामला बरामद किया था। 13 दिसंबर को काली मिर्च के एक पैकेट में गोल्ड बिस्किट मिले थे। 20 दिसंबर को सूटकेस के पहियों में छुपाकर लाए गोल्ड को पकड़ा गया था। वहीं 19 दिसंबर को एक विदेशी महिला से 15 करोड़ रुपए की कीमत की कोकीन भी बरामद की गई थी। और उसके बाद 24 दिसंबर को शेविंग करने वाले ट्रिमर में से 5 गोल्ड बिस्किट पकड़े गए थे।